अगस्त महीने में चार ग्रह कर्क राशि वालों की जिंदगी में डालेंगे असर। प्रेम, रोमांस, हेल्थ, करियर, कारोबार, स्टडी और बिजनेस में मिलेंगे सुखद नतीजे। अगस्त महीने में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल बदलेंगे चाल। इनकम के साधन बढ़ेंगे, प्रमोशन के योग बनेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मासिक भविष्यफल की स्टडी में अगस्त 2024 का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस महीने आपको पढ़ाई में, कैरियर में, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में किस तरह के अनुभव होंगे, कहां अच्छे नतीजे आएंगे, कहां थोड़ा अलर्ट रहना है, ये सब ग्रहों की चाल के मुताबिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगस्त महीने में कब कौन सा ग्रह किस तारीख को अपनी चाल बदल रहा है। अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है तो निश्चित रूप से आपका नॉलेज भी अपडेट होता रहेगा। दोस्तों, अगस्त महीने में जो ग्रहों के बदलाव की शुरुआत है वो 16 अगस्त को होगी, जब शाम 7:53 पर सूर्य राशि बदलकर अपनी ही सिंह राशि में आ जाएंगे और बहुत पावरफुल हो जाएंगे। सूर्य साल में एक बार अपनी ही राशि में आते हैं, एक महीना रहते हैं और सिंह राशि में गोचर करते हुए अपना पूरा प्रभाव दिखाते हैं। 16 अगस्त के बाद फिर 22 अगस्त को सुबह 6:22 पर बुध ग्रह भी कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टी चाल चलने लगेंगे, यानी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। फिर 25 अगस्त को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र दोपहर 1:57 पर अपनी नीच कन्या राशि में आ जाएंगे और उसके एक दिन बाद 26 अगस्त को दोपहर 3:25 पर मंगल ग्रह मिथुन राशि में आ जाएंगे। अब ये चार ग्रहों का जो बदलाव है ये कर्क राशि वालों के लिए बेहद खास रहने वाला है। सबसे पहले जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा वो सिंह राशि में आएंगे, तो जो सिंह राशि है वो अगस्त 2024 में कर्क लग्न वालों की कुंडली में सेकंड हाउस में पड़ती है, जिसे धन और वाणी स्थान कहा जाता है। सूर्य के सिंह राशि में गोचर से यहां बुध और शुक्र के साथ उनका कॉम्बिनेशन बनेगा। सूर्य और बुध के कॉम्बिनेशन से बुध आदित्य राजयोग बनेगा, जो आपके प्रभाव में वृद्धि करेगा, आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। फिर बुध और शुक्र के कॉम्बिनेशन से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, जिसका मिथुन राशि वालों, अपना कर्क राशि वालों को भरपूर फायदा मिलेगा। आपके कई अटके हुए काम बनते चले जाएंगे, समाज में आपका यश और मान बढ़ेगा, विरोधी जो हैं वो नतमस्तक होंगे यानी सरेंडर कर देंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो निखर कर सामने आएगी और आप सेविंग भी कर पाएंगे। इस महीने कर्क लग्न वालों की जो मासिक जन्म कुंडली में तीसरे भाव में केतु विराजमान रहेंगे और केतु ग्रह कन्या राशि में गोचर करते हैं और जो कन्या राशि है वो आपके थर्ड हाउस में पड़ रही है, जिसे भाई बहन और पराक्रम स्थान कहा जाता है, इसलिए आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। 22 अगस्त को बुध ग्रह कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे यानी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। आपने अपने आप को विवादों से दूर रखना है, लेकिन आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी, आप अपनी योजनाएं इंप्लीमेंट करने में कामयाब रहेंगे। 25 अगस्त को शुक्र अपनी नीच कन्या राशि में आएंगे, जहां पहले से ही केतु विराजमान है। शुक्र यहां केतु के साथ बैठकर अपना पूरा प्रभाव दिखाएंगे और आपके कई अटके हुए काम बनने लगेंगे। 26 अगस्त को मंगल ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जो आपके खर्च स्थान पर पड़ रही है। मंगल का ये जो गोचर है ये कर्क राशि वालों के खर्चों में थोड़ा वृद्धि कर सकता है, इसलिए पूरी योजना बनाकर खर्च करें। हालांकि पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन इनकम से ज्यादा खर्च हो सकता है। शनिदेव आपकी कुंडली में आयु स्थान में स्थित कुंभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, तो आपको लेट नाइट ड्राइविंग से थोड़ा परहेज करना है। बहुत से लोग मुझसे कमेंट बॉक्स पर आकर पूछते हैं कि आप राशि किस हिसाब से बताते हैं और कौन सी राशि हमें देखनी चाहिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं चंद्र कुंडली के मुताबिक राशिफल बताता हूं। आपके जन्म के समय चंद्रमा जहां गोचर कर रहे होते हैं वही कुंडली में आपकी राशि होती है। अगर आपको आपकी राशि मालूम नहीं है, जन्म समय मालूम नहीं है, जन्म तारीख मालूम नहीं है, तो आप अपने नाम के पहले अक्षर के मुताबिक भी भविष्यफल देख सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का नाम ही, हु, हो, डा, डी, डू, डे, डो से शुरू होता है उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वालों को अगस्त महीने में चार ग्रहों की चाल से शानदार नतीजे मिलेंगे।
ये नतीजे कैरियर के मामले में, स्टडी के मामले में, बिजनेस के मामले में मिलेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने का कार्यक्रम बना सकते हैं, आप अपनी योजनाओं को धरातल पर उतार सकते हैं, आपके रास्ते की रुकावटें इस महीने दूर होती जाएंगी, आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा, किसी नई प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पुराना घर अगर आप सेल करना चाहते हैं तो खरीदार मिल जाएंगे, आपको प्रॉफिट भी होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके सितारे बुलंद रहेंगे। इस महीने शनि ग्रह आपकी प्रमोशन का योग बनाने वाले हैं, शुक्र ग्रह विदेश यात्राओं का योग बनाने वाले हैं, विदेश सेटल होने का सपना भी साकार करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति इस महीने कर्क राशि वालों को कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता देने वाले हैं, कई मुरादें पूरी करने वाले हैं, कई अटके हुए काम पूरे करने वाले हैं। अगस्त महीने में कर्क राशि के जातकों को कैरियर के मामले में बेहतरीन नतीजे मिलेंगे, प्रमोशन के साथ अच्छी सैलरी मिलेगी, आपको खुद के कार्यों पर गर्व महसूस होगा, कैरियर के मामले में बेहतर संभावनाएं आपको मिलेंगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए उपयुक्त साथी की तलाश पूरी होगी, जो तलाकशुदा हैं तो उनके जीवन में नया पार्टनर आने के योग बनेंगे। कर्क राशि वालों को अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी समय, अगस्त का महीना बढ़िया रहने वाला है। आप चाहें तो किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आपको पार्टियों में, कार्यक्रमों में, बड़े समारोहों में भाग लेने की इन्विटेशन मिलेगी, आपकी पर्सनैलिटी निखर कर सामने आएगी, लोग आपकी बोलवाणी से प्रभावित होंगे। कर्क राशि के जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, आईटी सेक्टर में हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, फूड सेक्टर में हैं, मीडिया और एंटरटेनमेंट से जुड़े हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं, सेल्स और परचेज का काम करते हैं, टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, उनके सपने पूरे होंगे और कैरियर तेजी से गति पकड़ेगा, आप आसानी से अपने गोल अचीव करेंगे। और जो कर्क राशि के स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, विदेश जाकर पढ़ाई करने का आपका सपना साकार हो सकता है। लेकिन इस महीने आपने एक बात का ख्याल रखना है, किसी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर बिना सोचे समझे साइन नहीं कर रहे, किसी की झूठी गवाही देने से परहेज करना है, खुद को हर तरह के वाद विवाद से दूर रखना है, कार्यस्थल पर चल रही पॉलिटिक्स से भी आपको अपने आप को अलग रखना है, इसके अलावा लेट नाइटिंग ड्राइविंग से भी थोड़ा परहेज करना है। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही, इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत पेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार, मैं हूं गुरमीत पेदी।